الدين الخالد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضل إلا نفسه ولا يضل الله شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف، والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال جل وعلا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. محترم بزرگو، نوجوان ساتھیو، عزیز ماؤں اور بہنوں، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیتیں جس قدر خالص ہوں گی، نیتیں جس قدر صاف ستھری ہوں گی، اللہ رب العزت والجلال کے یہاں ان اعمال کی قدر و منزلت اسی قدر زیادہ ہوگی. نیتوں کی شان بڑی نرالی اور اس کا معاملہ بڑا عظیم ہے. یہی وہ نیت ہے جو چھوٹے چھوٹے اعمال کو اللہ رب العزت والجلال کے یہاں بہت بڑا بنا دیتی ہے، اور یہی وہ نیت ہے جو بڑے بڑے اعمال کو اور ان اعمال کی قدر و منزلت کو اللہ رب العزت والجلال کے یہاں ختم کر دیتی ہے.
यही वो नियत है जिससे आदतें भी इबादत बन सकती है, और यही वो नियत है जिसकी वजह से बड़ी बड़ी इबादतें भी बेकार और रायगा हो सकती है। यही वो नियत है जिसकी वजह से बसा औकात एक इंसान आमाल को अंजाम दिए बगैर सवाब का और जन्नत का मुस्तहिक बन सकता है, और यही वो नियत है जिसकी वजह से और जिसमें खोट की वजह से बड़े बड़े आमाल करने के बावजूद कयामत के दिन एक इंसान आमाल से खाली और कोरा होगा, उसका कोई अजर और सवाब उसे नहीं मिलेगा। इसीलिए बड़े बड़े मुहद्दिस ने जब अपने किताब की शुरुआत की, इमाम बुखारी हो और उनके अलावा दूसरे मुहद्दिसीन हो, उन लोगों ने अपने किताब की इब्तिदा जिस हदीस से की, उस हदीस में गोया के पूरे जिंदगी का मदार है। इब्ने रजब ने अपनी किताब में जिक्र किया कि जो चंद अहादीस जिन पर पूरे दीन का दारोमदार है, उसमें सबसे पहली हदीस ये है जो अब मैं पढ़ने जा रहा हूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि व मन कानत हिजरतुहु लिदुनिया युसीबुहा औ इम्रातिन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजर इलैहि। के आमाल का दारोमदार, आमाल का मामला अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल के यहां नियतों के मुताबिक है। जैसी नियत है उसी हिसाब से अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल के यहां उन आमाल के साथ मामला किया जाएगा। अगर नियतें दुरुस्त हैं, नियतें साफ सुथरी हैं, तो उन आमाल की कदर व मंजिलत अल्लाह सुबहानहु व तआला के यहां बहुत ज्यादा है। और इसीलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि वइन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, हर इंसान के लिए वही है जो जिसकी वो नियत करता है। अगर वो आमाल को अंजाम देकर उसका मकसद और इरादा दुनिया तलबी है, उसका मकसद और इरादा ये है कि दुनिया के लोग राजी हो जाए, दुनिया में कुछ सामान मिल जाए, तो उसके लिए वही है जिसका वो इरादा करता है। और अगर वो आमाल को अंजाम इसलिए दे रहा है ताकि उन आमाल को अंजाम देकर अल्लाह का तकल्लुब, उसकी रजा और खुशनुदी हासिल हो जाए, तो उसके लिए वही है जिसकी वो नियत कर रहा है। और इस हदीस में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़े अजीम अमल की मिसाल दी। आपने फरमाया कि फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही, कि एक आदमी दारुल कुफ्र से दारुल इस्लाम की तरफ हिजरत करता है, अपने सा घर बार को छोड़ देता है, अपने इज्जा उकरबा को छोड़ देता है, सब कुछ कुर्बान करके इस्लाम के लिए निकल जाता है, लेकिन अगर उसकी नियत में खोट है तो उसका यह अजीम इबादत भी अल्लाह के यहां किसी लायक नहीं है। फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही, जिसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए, फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही, तो उसी की हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए। वमन कानत हिजरतुहु लिदुनिया युसीबुहा, जो आदमी हिजरत इसलिए करता है या हिजरत जैसा अजीम अमल इसलिए अंजाम देता है, वमन कानत हिजरतुहु लिदुनिया युसीबुहा, दुनिया को हासिल करने के लिए हिजरत करता है, औ इम्रातिन यनकिहुहा, या किसी औरत से शादी करने के लिए करता है, अपने घर बार को छोड़ देता है, फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि, तो उसकी हिजरत उसी लिए जिसलिए वो कर रहा है। सिर्फ जाहिरी अमल से कुछ नहीं होगा, जाहिर में वो दारुल कुफ्र से दारुल इस्लाम की तरफ हिजरत कर रहा है, लेकिन मकसूद यह कि वो जाकर वहां पे दुनिया हासिल करे, मकसूद यह कि वो वहां जाकर किसी से निकाह करे, तो उसकी हिजरत उसी लिए जिसलिए वो कर रहा है, जाहिर से धोखे में ना आइए। इसलिए कि नियतों का ताल्लुक दिल से है, और दिल पर अल्लाह के अलावा किसी का काबू नहीं, अल्लाह के अलावा कोई नहीं देख रहा है कि दिल में क्या है। इसीलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने कुरान ने यह फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल जो देखता है वो दिल देखता है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी वाज़ह एक जिक्र किया कि इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वला इला जसादिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, अल्लाह जाहिरी शक्ल सूरतों की तरफ नहीं देखता। आदमी कितनी तकवा शियारी के साथ जिंदगी गुजार रहा है, ये अल्लाह के अलावा किसी को पता नहीं कि ये तकवा की ये अमाल, ये सफ़े उला में नमाजें, ये दुनिया में बड़े बड़े नेकी और इताअत का काम, इसके पीछे पसपर्दा कौन से मकासिद हैं, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता है। और इसीलिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो फकीहा थी, जो आलिमा थी, कुरान की कोई आयत हो, कोई हदीस हो,
उसको समझती थी। जब नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के सामने ये बयान किया कि एक लश्कर आएगा जो काबा पर हमले की मकसद से आएगा, यगज़ू जैशुनिल काबा फैज़ा कानू बिल बैदा युक्सफु बि अव्वलिहिम व आखिरिहिम। आपने फरमाया कि एक लश्कर काबे पर हमले के मकसद से आएगा और जब मकामे बैदा में वो होगा तो युक्सफु बि अव्वलिहिम व आखिरिहिम, अव्वल से लेकर आखिर तक सबको धसा दिया जाएगा जमीन में, अव्वल से लेकर आखिर तक जितने भी है सबको धसा दिया जाएगा। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के दिमाग में फौरन सवाल आया, ऐसा कैसे हो सकता है, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका कोई जुर्म नहीं है, कैसे उनको धसा दिया जाएगा। हजरत आयशा ने नबी अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्लाह के रसूल, उसमें वो लोग भी होंगे जो तिजारत में मशगूल है उसी रास्ते में, उसमें वो लोग भी होंगे वमन लैस मिनहुम, जो उनमें से नहीं है, फकैफ युक्सफु बि अव्वलिहिम व आखिरिहिम, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अव्वल से लेकर आखिर तक सबको धसा दिया जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने नीयत की अहमियत की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि युबअथून अला नियातिहिम यौमल क़ियामा, युबअथून अला नियातिहिम यौमल क़ियामा, क़ियामत के दिन जब उन्हें उठाया जाएगा दोबारा तो उनके नियतों के मुताबिक उनके साथ मामला किया जाएगा, उनके नियतों के मुताबिक उनके साथ मामला किया जाएगा। जाहिर में क्या हुआ है, जाहिर में क्या कर रहे हैं, इससे नहीं सरोकार है, बल्कि इससे सरोकार है कि उनके दिल में क्या चल रहा है। इसीलिए सुफियान सौरी रहिमहुल्लाह कहते थे कि आज हम नियत से इस कदर गाफिल हैं, आमाल को सीखते हैं कैसे अमल सही हो, उससे पहले हम ये सीखें कि हमारी नियत कैसे दुरुस्त हो। सुफियान सौरी कहते थे कानू यतअल्लमून अन्नियत कमा ततअल्लमून अल-अमल, के सलफ इस उम्मत के असलाफ नियतों को वैसे ही सीखा करते थे, कमा ततअल्लमून अल-अमल, जैसे तुम अमल सीखते हो, जैसे तुम ये सीखते हो कि अमल कैसे दुरुस्त हो, वैसे ही सलफ ये सीखते थे कि हमारी नीयत कैसे दुरुस्त हो। इसलिए कि नीयत दुरुस्त नहीं है, नीयत में आखरत की फिक्र नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल की रजा मकसूद नहीं है, तो सारे अमाल बेकार हैं। अल्लाह ने फरमाया कि वमन अराद अल आखिरत वसअ लहा सअयहा वहुव मुमिन फौलाइका काना सअयुहुम मशकूरा। जो आदमी आखरत का इरादा करता है, जो अमल करता है और आखरत का इरादा करके अमल करता है, वसअ लहा सअयहा वहुव मुमिन, उसी के लिए वो कोशिशें करता है, फौलाइका काना सअयुहुम मशकूरा, तो ऐसे आदमी की कोशिश, ऐसे आदमी की मेहनत अल्लाह के यहाँ कामयाब होती है, उसकी कदर की जाती है ऐसी कोशिशों की। लेकिन जो अपने आमाल से आखरत नहीं चाहता उसके आमाल की कोई कदर नहीं है। नियतों का आमाल के संवारने में किस कदर अमल व दखल है, चंद मिसालें मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूं, अंदाजा कीजिए। सबसे पहली हदीस के नबी अलैहिस्सलाम गज़वा तबूक के मौके पर निकलते हैं। गज़वा तबूक का वो मौका जिसे कुरान ने सातुल उसरा के लफ्ज से याद किया है, जो बहुत ही मुसीबत का वक्त था, परेशानी का वक्त था मुसलमानों पर, ऐसा वक्त था कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जब हम लोग निकले जंग के लिए तो ऐसा लग रहा था कि हमारी गर्दनें प्यास के मारे कट के अलग हो जाएंगी। सिर्फ यही मुसीबत नहीं थी बल्कि सख्त गर्मी, उसके बाद लोग पैदल निकल रहे, सवारी कम है, हालत यह थी कि हजरत कतादा कहते कि एक खजूर को दो हिस्सों में तकसीम करके दो सहाबा खाते थे, ये हाल थी मुसलमानों की। लोग हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आते कि अबू बकर, अल्लाह के रसूल से फरियाद कीजिए कि अल्लाह के रसूल दुआ कीजिए कि बारिश नाजिल हो जाए। ऐसी मुश्किल और परेशानी का वक्त है, 50 दिनों का ये सफर था, 30 दिनों की मसाफत थी और 20 दिन मुसलमान तबूक में क्याम पजीर थे, 20 दिन तक तबूक में थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने मुश्किल वक्त से वापस आते, इतने मुश्किल जंग से आते वक्त सहाबा इकराम से कहते हैं कि इन्नकुम इन्न फिल मदीनति अक़वामन मा क़ताअतुम मसीरन मा क़ताअतुम वादियन वला सिरतुम मसीरन इल्ला कानू माअकुम औ इल्ला कानू शरकूकुम फिल अज्र। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा से कहते हैं कि इन्न फिल मदीनति अक़वामन, के मदीना में कुछ ऐसे लोग भी थे कि मा सिरतुम मसीरन, तुम जहां भी गए, वला क़ताअतुम वादियन, जिस वादी का भी तुमने सफर किया, इल्ला कानू माअकुम, मगर वो तुम्हारे साथ थे, वो इल्ला शरकूकुम फिल अज्र, बल्कि वो अज्र में तुम्हारे साथ थे, उनको भी वैसे ही अज्र मिला है जैसे तुमको मिला है। ये नियत की बरकत है।
उन्होंने सफर नहीं किया, 50 दिनों की ये मुसीबतें उन्होंने नहीं बर्दाश्त की, लेकिन उनके दिल में ये मलाल रह गया कि काश के मेरी भी हालात ऐसी होती कि मैं भी सफर करता। नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल की जानिब से ये खबर दी गई कि जो भी अज्र इनको मिलेगा, जो लोग सफर कर रहे हैं, जिन लोगों ने मसाइब व आलाम को झेल कर इस गजवा में शिरकत की, वैसे ही उन लोगों को भी अज्र मिलेगा जो लोग मदीना में है, वह हबसहुमुल उज्र, और उज्र की वजह से वो नहीं निकल पा सके। ये है नीयत की बरकत। दूसरी मिसाल सुनिए, एक आदमी, सही मुस्लिम की रिवायत है, एक आदमी ने 100 कत्ल किया, उसके बाद वो निकलता है, उसके बाद उसे होश आता है कि बहुत गलत काम हो गया, तौबा की फिक्र होती है और उस रास्ते की तरफ निकलता है, उस करिया और बस्ती की तरफ निकलता है जिस करिया और बस्ती में उलमा होते हैं, अहले दीन होते हैं, दीनदार लोग होते हैं, लेकिन उस रास्ते में ही उसकी रूह परवास कर जाती है और वो तौबा नहीं कर पाता है, उसे तौबा नसीब नहीं होती है, बल्कि उस रास्ते में उसकी रूह परवास कर जाती है, वो दुनिया से चला जाता है। नबी अलैहिस्सलाम सहाबा को बतलाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने उसके इस जज्बा की कद्र किया, उसके इस जज्बा का कई कद्र की और उसे माफ कर दिया, उसकी तौबा को कबूल फरमा लिया और उसे माफ कर दिया, क्योंकि उसके दिल में इस बात की नीयत थी कि अब मैं गुनाहों से बाज आ जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं तौबा करूंगा, और इस वजह से उसके गुनाह को माफ कर दिया गया और उसे जहन्नम से निजात दे दिया गया। तीसरी मिसाल सुनिए, गज़वा उहुद के मौके पर एक सहाबी होते हैं हजरत अम्र बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत अम्र बिन साबित वो आदमी होते हैं जिन्हें इस्लाम की फिक्र गज़वा उहुद के मौके पर होती है, उससे पहले वो इस्लाम नहीं लाते हैं, गज़वा उहुद के मौके पर इस्लाम लाते हैं और जंग जारी होती है, वो बगैर कुछ और अमल को अंजाम दिए हुए गज़वा में शरीक हो जाते हैं, दुश्मनों के सफ में दाखिल होकर इस तरह से जंग लड़ते हैं कि उन्हें शहादत मिल जाती है। गौर कीजिए कि उन्हें उसी जंग में शहादत मिलती है, अभी कलमा पड़े हुए और उसके बाद उसी जंग में उन्हें शहादत मिल जाती है। नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं उस आदमी के बारे में जिसने एक सजदा भी अल्लाह के लिए नहीं किया है, लेकिन उसके नीयत की सफाई देखिए कि नबी अलैहिस्सलाम उस आदमी के बारे में कहते हैं कि इन्नहु लमिन अहलिल जन्ना, इन्नहु लमिन अहलिल जन्ना, वो आदमी जन्नती है, वो आदमी जन्नती है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल दिलों की तहारत, नियतों की सफाई को जान लेता है तो उसकी नियत के वजह से उसके आमाल की कद्र करता है, और बसा औकात उसकी आदत को भी इबादत के दर्जे में डाल देता है। आपको हैरत होगी कि आदत कैसे इबादत बन सकती है। नसई की सही रिवायत सुनिए और अंदाजा कीजिए, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक आदमी रात में सोता है, ये नियत करके सोता है, उसकी नियत सादिक होती है, पक्का इरादा होता है कि आज रात में मैं उठकर तहज्जुद पढ़ूंगा, लेकिन उसे नींद आ जाती है, नहीं उठ पाता है। नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि कुतिबा लहू मा नवा, जो वो नियत करता है उस नियत का सवाब उसके नाम आमाल में लिखा जाता है। वकान नौमुहु सदकतन अलैहि मिन रब्बिही, और उसकी नींद उसके रब की तरफ से सदका होती है। जो नियत उसने किया उस नियत की वजह से उसके नाम आमाल में लिख दिया गया क़यामुल लैल जैसे अजीम इबादत का सवाब, और उसकी नींद ये तो अल्लाह की तरफ से सदका है, हदिया है कि सोया भी रहा और उसे अमल का सवाब भी मिल गया। इसी पर बस नहीं, बल्कि एक आदमी खेल कूद में, हंसी मजाक में अपने बीवी के मुंह में एक लुकमा डालता है, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस पर भी उसके लिए अज्र है। क्यों वो डालता है? इसलिए वो उसके साथ खेल कूद कर रहा है, उसके साथ हंसी मजाक कर रहा है, क्योंकि उसे उसके दिल में ये बात है कि ये बीवी है, ये बीवी अल्लाह ने इसकी किफालत और इसकी जिम्मेदारी मुझे दी है, इसके साथ अच्छी सोहबत, इसके साथ हुस्ने मुआशरत, ये मेरा फरीजा और मेरी जिम्मेदारी है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्नक लन तुनफिक नफकतन तबतगी बिहा वजह अल्लाह इल्ला उजिलत अलैहा हत्ता मा तजअला फी फमी इमरातिक, कि जो भी आप खर्चे करेंगे उसका सवाब आपको मिलेगा, जिसके जरिए अल्लाह की रजा चाही जाए उस अमल पर अल्लाह का सवाब मिलेगा आपको। हत्ता मा तजअल फी फमी इमरातिक, यहां तक कि वो लुकमा जो आप अपने बीवी के मुंह में डाल रहे उसका भी सवाब आपको मिलेगा।
इमाम नवी कहते हैं कि गौर कीजिए कि एक ऐसा अमल जो आखरत से बहुत दूर है, इसका आखरत से कोई लेना देना नहीं। एक आदमी अपने एक बीवी के साथ हंसी मजाक में उसके मुंह में लुकमा डाल दे रहा है, आखरत का कोई अमल दखल इसमें नहीं है, लेकिन उसकी नीयत यह कि इसके साथ हुस्ने सोहबत, इसके साथ अच्छा सुलूक, ये मेरा दीनी फरीजा है, और इस वजह से उसे इस पर, उसकी इस आदत पर और उसके इस जायज और मुबाह काम पर उसे सवाब मिल रहा है। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी है, तस्वीर का दूसरा रुख है जो अल्लाह ने फरमाया कि मन कान युरीदुल हयात दुनिया वज़ीनतहा नुवफ्फी इलैहिम आमालहुम फीहा वहुम फीहा ला युबख़सून। कि जब आदमी सारा अमल, आज जिस माहौल में हम सांसें ले रहे हैं वहां हाल ये है, वहां हाल ये है और हमारी हालत ये है कि हम दीनी आमाल को अंजाम देकर भी उससे दुनिया चाहते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि वमन अरादल आखिरत वसअ लहा सअयहा वहुवा मुमिन। जो आदमी आखरत का अमल करता है, जो आदमी वमन कान युरीदुल हयात दुनिया वज़ीनतहा, जो दुनिया को चाहता है और दुनिया की जीनत को चाहता है, नुवफ्फी इलैहिम आमालहुम फीहा, हम दुनिया में उसे पूरा पूरा बदला दे देते हैं, कुछ कम नहीं करते, वहुम फीहा ला युबख़सून, कुछ भी कम नहीं किया जाएगा। लेकिन यही वो लोग हैं, उलाइकल लदीना लैसा लहुम फिल आखिरति इल्लन नार, यही वो लोग हैं जिनका आखिरत में कुछ नहीं है, उलाइकल लदीना लैसा लहुम फिल आखिरति इल्लन नार, जहन्नम के अलावा उनके लिए आखिरत में कुछ नहीं है। वह भी तमासनाउ फिया, जो कुछ वो कर इतरा रहे कि हम सफे अव्वल के नमाजी, हम दीनी काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले, ये हमारे आखिरत में जखीरा है, ऐसे लोगों के लिए आखिरत में कुछ नहीं है। लैसा लहुम फिल आखिरति इल्लन नार वह भी तमासनाउ फिया वह बातिल उम्मा कानू यामलू, जो कुछ कर रहे हैं सब बर्बाद हो गया उनका, जो कुछ कर रहे हैं सब बर्बाद है उनका। एक आखिरी हदीस सुनाकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि हदीस ऐसी जिसको बयान करते हुए सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला ने बयान नहीं कर पा रहे थे, एक दो मरतबा नहीं, तीन मरतबा बेहोश हो गए उस हदीस को बयान करते हुए। शुफ़ै अल असबही नामी ताबई, सही मुस्लिम की रिवायत है और तिर्मिजी में यह वाकया तफसीलन है। शुफ़ै अल असबही कहते हैं कि मैं जब मदीना आया, मैंने मस्जिद नबवी में देखा कि एक आदमी है जिनके इर्द गिर्द लोग बैठे हुए, बहुत भीड़ है। मैंने इंतजार किया कि लोग जब हट जाएं तो मैं उनसे कुछ सवाल करूं। कहते हैं जब लोग हट गए, अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला ने जो कि मस्जिद नबवी में दर्स दे रहे थे और वो अकेले हो गए, मैंने उनसे कहा कि मैं अल्लाह के रसूल के आए, मैं अल्लाह के रसूल की वो हदीस आपसे सुनना चाहता हूं जिसको आपने अल्लाह के रसूल से सुना है, समझा है। कहते अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला ने कि मैं तुमसे वो हदीस बयान करूंगा जो हदीस मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है, समझा है, और इस घर में, इस मस्जिद नबवी में मेरे और अल्लाह के रसूल के अलावा उस वक्त कोई नहीं था। अबू हुरैरा शुरुआत करते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे वो हदीस बयान करूंगा जो अल्लाह के रसूल ने मुझसे बयान किया था और जिसके अलावा मेरे अलावा उस वक्त कोई नहीं था। कहते हैं शुफ़ै कि जैसे ही हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु शुरुआत करते हैं और उन्हें गशी आ जाती है, वो उनके ऊपर बेहोशी आतारी हो जाती है, फिर जब इफाका होता है, फिर जब होश में आते हैं, फिर कहते हैं कि मैं तुमसे अनकरीब वो हदीस बयान करूंगा जो हदीस नबी अलैहिस्सलाम ने मुझसे बयान किया और उस वक्त इस घर में मेरे अलावा कोई नहीं था, फिर बेहोश हो जाते हैं। फिर तीसरी मरतबा शुफ़ै कहते हैं कि वो बयान करने का इरादा करते हैं और बेहोश होते हैं, ऐसी कैफियत होती है कि माल आला वजही, अपने चेहरे के बल गिरने लगते हैं। फासनतुहु, मैं उन्हें सहारा देता हूं, सहारा देकर काफी देर तक बेहोशी में रहते, उसके बाद जब होश आता है तो वो हदीस कौन सी बयान करते हैं वो सुनिए और अंदाजा कीजिए। वो हदीस बयान करते हो, कहते हैं अव्वलु मन तुसारु बिहिम उन्नारु यौमल क़ियामति सलासा, अव्वलु मन तुसारु बिहिम उन्नारु यौमल क़ियामति सलासा, क़ियामत के दिन सबसे पहले जहन्नम जिन तीन लोगों से तपाया जाएगा, जहन्नम की आग जिन तीन लोगों से भड़काई जाएगी, वो कौन लोग होंगे? सबसे पहले एक आलिम, एक कुरान का आलिम, कुरान की तिलावत करने वाला, कुरान को सीखने वाला, वो लाया जाएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल के सामने, सारे अव्वलीन और आखिरीन का इज्तिमा होगा। वो अल्लाह सुबहानहू व तआला उससे पूछेगा, मैंने तुम्हें कुरान का इल्म दिया, उसे लाया जाएगा, फअल्लफहु निअमहु, उसे नेमत का इजहार करवाया जाएगा, पूछा जाएगा
इकरार करवाया जाएगा कि इतनी बड़ी नेमत हमने तुम्हें दी, दीन का इल्म दिया, कुरान का इल्म हमने तुम्हें दिया, फमाज़ा अमिलता फिहा, तुमने क्या किया, तुमने अल्लाह के लिए क्या किया। दुनिया में जो नारा जपता था वही बात वहां भी कहेगा, अल्तअल्लमतुल इल्म व अल्लमतुहु व क़रातुल कुरान फी, ऐ अल्लाह मैंने दीन का इल्म हासिल किया, लोगों को सिखलाया, कुरान की तिलावत मैंने की, रात में उठ के मैंने क़ियामुल लैल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल जो दिलों के भेदों को जानने वाला है, जो दिलों के राजों से वाकिफ है, वो कहेगा कज़ब, तू तो झूठ बोल रहा है, कज़ब तू झूठा है। वह तकूलुल मलाइकतु कज़ब, जितने फरिश्ते होंगे सब कहेंगे ये झूठा है, ये झूठ बोल रहा है। इसने दीन का इल्म इसलिए हासिल किया ताकि इसके बारे में ये कहा जाए कि ये आलिम है, ये आलिम है, ये कुरान का इल्म रखने वाला है, ये कारी है, बड़ी अच्छी कुरान की तिलावत करने वाला है। फौमी रबी ही फसू ही बाला वजी, उसे हुआ उसके बारे में अल्लाह का फरमान सादिर होगा कि इसे मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में फेंक दिया जाए। फौमी रबी ही फसू ही बाला वजी हत्ता उल्किया फिन्नार, यहां तक कि उसे मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में फेंक दिया जाए। दूसरा आदमी लाया जाएगा जिसे अल्लाह ने मालो मनाल और दौलत और सरवत से नवाजा है। अल्लाह सुबहानहु व तआला उससे पूछेगा, मैंने तुम्हें मालो दौलत से नवाजा, इस कदर मालो दौलत दिया, तुमने क्या किया? कहेगा मैंने जो भी खैर का रास्ता आया, जहां भी फरियाद हुई मेरे नाम की, जहां भी लोगों ने मुझे याद किया, मैंने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया, मैंने खर्च किया तेरी राह में। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल कहेगा कज़ब, तू झूठ बोल रहा है। फरिश्ते भी का अल्लाह के इस हुक्म पर कहेंगे कि कज़ब, तू झूठा है, तूने तो इसलिए खर्च किया ताकि तेरे बारे में ये कहा जाए कि लियुकाल जव्वाद, तू बड़ा सखी आदमी था, ताकि तेरे बारे में ये कहा जाए कि तू बड़ा सखी है। वक़द क़ील, जो कहना था वो कहा जा चुका है। फ़ौमी रबी फसूही बाला वजी हत्ता उल्किया फिन्नार, उसके बाद हुक्म दिया जाएगा और औंधे मुंह से जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। तीसरा, एक शहीद शहादत जैसा अजीम इबादत, शहादत जैसी इबादत, एक शहीद लाया जाएगा, उसके उससे भी अल्लाह सवाल करेगा, वो भी यही जवाब देगा कि मुझे कवि जिस्म मिला, बड़ी अच्छी पर्सनालिटी मिली, मैंने इस जिस्म की तवानाई और कुव्वत को तेरी राह में इस्तेमाल किया। अल्लाह कहेगा झूठ बोल रहा है तू, तू झूठ बोल रहा है, तूने इसलिए शहाद मैदान जंग में जिहाद किया ताकि तेरे बारे में ये कहा जाए कि तू बड़ा बहादुर है। वक़द क़ील, और ये कह दिया गया, ये कह दिया गया, फ़ौमी रबी फसूही वाला वजी हत्ता उल्किया फिन्नार, उसे घसीट कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। यही शुफ़े जब इस हदीस को हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने बयान करते हैं, हजरत अमीर मुआविया ज़ारो क़ताल रोने लगते हैं और कहते हैं कि जब इन लोगों का ये हाल है, जब इन लोगों का ये हाल है, फमा बकिया मिनन्नास, तो बाकी लोगों का क्या कहा जाए, फमा बकिया मिनन्नास, तो बाकी लोगों के बारे में क्या किया जाए। जब इस बीमारी से एक आलिम, एक शहीद और एक ऐसा आदमी जो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहा है, जवाद नहीं बच पाया, तो फमा बकिया मिनन्नास, अल्लाह ने सच फरमाया था कि जो आदमी मन कान युरीदुल हयात दुनिया वजीनतहा नुवफ्फी इलैहिम आमालहुम फिया, जो दुनिया चाहता है हम दुनिया में उसे सब कुछ दे देते हैं, जो मकसद होता है, अगर शोहरत मकसद होती है, दुनिया मकसूद होती है, हम उसे दे देते हैं, लेकिन आखिरत में उसके लिए कुछ नहीं होता है, वह बातिल उम्मा कानु यामलून, सब खत्म हो जाता है, और सिवाय दुनिया में उसे थकावट के अलावा कुछ हासिल नहीं होता है। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल से यही दुआ करते हैं कि बारेला तू हमारे नियतों में इखलास पैदा कर दे, बारेला तू हमारी नियतों को दुरुस्त कर दे, हम जो भी आमाल करें उन आमाल में अपना तकल्लुब अव्वल अव्वल कर दे, बारेला हमारे नियतों को दुरुस्त कर दे, हम में जो बीमार है तो उन्हें उनकी बीमारी से शिफाए कामिल आजिल नसीब फरमा, जो इस दुनिया से चले गए तो करवट करवट उन्हें जन्नत नसीब फरमा। रब्बुल आलमीन, जब हमारा इस जहान फानी से जाने का वक्त आए तो हमें इस बात की तौफीक दे कि हमारा आखिरी कलमा कलमा तौहीद हो। व आखिरी दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله والداعي إلى رضوانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين اللهم انصر أمة محمد اللهم انصر أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكبر.